नहीं माने लोग, दिल्ली में रात भर चले पटाखे, सांस लेने लायक नहीं रही राजधानी की हवा। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का स्तर बहुत खराब होने के चलते सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की भी अनुमति नहीं दी थी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में पटाखों पर पाबंदी थी। इसके बावजूद दिल्ली NCR में जमकर आतिशबाजी की गई। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी, दिवाली के जश्न के बाद अंतिम स्तर पर पहुंचा AQI। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर बैन के बावजूद खूब आतिशबाजी हुई। नतीजन हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिल्ली के करीब करीब हर इलाके में आधी रात आते आते हवा की गुणवत्ता गंभीर के स्तर को पार करती चली गई। दिल्ली के कई इलाकों के साथ साथ यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के HQI 999 रिकॉर्ड पार कर गया। सुबह भी हवा का AQI लेवल 999 पर बरकरार रहा। गौरतलब है कि जब AQI मापा जाता है इसमें अधिकतम 999 ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का स्तर बहुत खराब होने के चलते सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने की भी अनुमति नहीं दी थी। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में भी पटाखों पर पाबंदी थी। इसके बावजूद दिल्ली NCR में जमकर आतिशबाजी की गई। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के नरेला की दिखा रहे हैं। बड़ों से लेकर बच्चे सब अपनी धुन में खूब पटाखे चला रहे हैं, वो भी एक हॉस्पिटल के सामने। इन्हें ना किसी पेशेंट की चिंता है और न ही पुलिस का कोई डर। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पटाखे छोड़ने वाला कोई और नहीं, इसी हॉस्पिटल का स्टाफ है। और आपको बता दे कि पटाखों की वजह से सांस लेने में दिल्ली में रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, और हॉस्पिटल के सामने इस तरीके से पटाखे फोड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से हॉस्पिटल के सामने पटाखे फोड़ना अपने आप में हैरान कर देने वाला है, जिससे जो हॉस्पिटल में पेशेंट है उन्हें भी सांस लेने में कहीं ना कहीं काफी दिक्कत हो रही होगी। प्रदूषण की सारी सीमाएं दिल्ली में पार हो चुकी है और दिल्ली और NCR के ज्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 999 पर पहुंच गया है। दिल्ली में इंडिया गेट, जवाहरलाल नेहरू, नरेला और नोएडा में गाजियाबाद के सभी स्टेशनों पर AQI का स्तर 999 पर पहुंच गया। नरेला में सुबह 6 बजे PM 2.5 की सांद्रता 1164 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब थी। यहां सामान्य 60 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से लगभग 20 गुना खराब, यानी कि गंभीर से 2 गुना हुआ प्रदूषण। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि हवा की गुणवत्ता 999 से भी कहीं ज्यादा खराब हो गई है। 400 से 500 के बीच AQI का होना भी गंभीर माना जाता है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह के समय भी AQI 999 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी के उच्चतम स्तर का भी 2 गुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।